कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर आप मूवीज़ में जो हीरोज़ होते हैं उनके डबल या ट्रिपल जो रोल होते हैं वो देखते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन होता है, ये सब कुछ कैसे किया जाता है। काइन मास्टर की वजह से आज हम आपको एडिटिंग करके दिखाएंगे कि आप अपना डबल या ट्रिपल रोल कैसे बना सकते हैं, या टेट्रा रोल भी आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए काइन मास्टर पर चलते हैं, चलकर आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि सब कुछ आपने कैसे करना है। चूँकि अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पर हम काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे। अगर आपको काइन मास्टर चाहिए बगैर वाटर मार्क के तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके बगैर वाटर मार्क के काइन मास्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जब भी आप इस तरह की वीडियो शूट करना चाहें तो आप कोशिश करें, यानी कि इस तरह की वीडियो जब भी आप बनाना चाहें जो कि अभी आपने देखी पहले, तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए ट्राईपॉड का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ट्राईपॉड के ऊपर अपना कैमरा जो है उसको सेट कर लेना है, उसके बाद फिर आपने ठीक है लोकेशन जो है अपनी सेट कर लेनी है कि आपने एक मरतबा किस जगह पर खड़ा रहना है, दूसरी मरतबा किस जगह पर खड़ा रहना है। यहाँ से अभी आप देखें, ये ट्राईपॉड पर कैमरा रख कर मैं गया हूँ, तो ये देख सकते हैं एक यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक लोकेशन सेट की हुई थी, अभी मैं आपको ये देख सकते हैं, ये मैं खड़ा हूँ, चंद सेकंड यहाँ पर मैं खड़ा रहा हूँ, जितने सेकंड मैं यहाँ पर खड़ा रहा हूँ इतने ही आगे चल के मैंने दूसरी लोकेशन पे खड़ा होना है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप दूसरी लोकेशन पे चला गया, यहाँ पर मैंने ऐनक पहन के खड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह थोड़ा बहुत जितने सेकंड पहली जगह पर रुको इतनी दूसरी जगह पर रुका मैं। अब देख सकते हैं दूसरी जगह रुकने के बाद थोड़ा सा मैं जो है फिर टर्न हुआ, यहाँ पर मैंने एक टोपी ली, और टोपी लेने के बाद दोबारा जाकर मैं उसी जगह पे खड़ा हो गया और वहाँ से एक कागज़ निकाल कर मैंने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं इतने ही सेकंड मैंने तीसरी जगह पे भी रोक कर लेना है। वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, ट्राईपॉड के बगैर नहीं होगी। जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो कोशिश करें कि आपका जो कैमरा है ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत ना करे, तभी इस तरह की वीडियो बन पाती है। जब ये इतने सेकंड ये वीडियो बन जाए तो उसके बाद आपने करना क्या है ये देख सकते हैं। अब आपने एडिटिंग कैसे करनी है आपको मैं एडिटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है जाना है बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पे मैं पहले खड़ा था, ठीक है, जो फर्स्ट मेरी ये देख सकते हैं ये इस जगह पे जाना है। यहाँ से मैं जो है ट्रिम टू लिफ्ट प्ले हेड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसका जो ऑडियो है वो म्यूट कर देता हूँ ओवरऑल, ठीक है, इस तरह कर दिया। उसके बाद आपने थोड़ा आगे देख सकते हैं, ऐसे आगे जाना है और ये देख लें यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कट पे फिर जाऊँगा, स्प्लिट इट प्ले हिट पे क्लिक कर देना मैंने, ठीक है, फिर यस किया। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इस जगह पे मैं खड़ा हो गया हूँ, ये इस जगह पर जाके फिर मैंने यहाँ पर कट पे क्लिक करना और ट्रिम टू लिफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद आगे जाना है, नेक्स्ट अब चौथी पहली जगह भी होगी, दूसरी भी, अब तीसरी जगह पे जाना है मैंने टोपी पहन के जहाँ पर खड़ा हूँ मैं, ये यहाँ ये देख लें आप, इसको यहाँ पर मैंने कट करना था ये, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा ये, ठीक है, यहाँ से फिर मैं लेफ़्ट ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड पे कर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आके और जाऊंगा, ये यहाँ तक गया हूँ, फिर इसको मैंने ट्रिम टू राइट कट कर दिया। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर गया और डुप्लीकेट लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जब ऐसे आ जाएगा तो इसको मैंने जो है फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लिया, ये देख लें आप। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ले आना है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आप, ये इतना इस साइड से इतना इस साइड से आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे जाना है, इसको भी हमने लेयर में ऐड कर दिया, अब इस पे जाएंगे हम, ठीक है। इस पे जाने के बाद हम इसको जो डुप्लीकेट एज अ लेयर पर क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले इसकी जो स्क्रीन है वो फुल कर लेंगे हम, ये देख सकते हैं। अब जो है इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे और ऊपर से यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूँ, सॉरी, इसको भी जो है क्रॉप करना था, अभी हमने क्रॉप नहीं किया है,
ये लें, इसको भी अभी क्रॉप करेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं, ये देख लें आप, बिल्कुल तीन रोल जो है वो प्ले हो रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको कोई फ़र्क यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा होगा, देख सकते हैं बिल्कुल फिट यहाँ पे जो एडिटिंग है ये हुई है। उसके बाद आपने इसके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक वगैरह लगाना हो तो वो लगा लें आप, यहाँ से ट्रिम टू राइट कर लें ताकि ये बराबर हो जाए। और उसके बाद जो है आप यहाँ कोई भी ऑडियो वगैरह कुछ भी जो है आप लगा सकते हैं, ये देख लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।